पहले मैं फॉर्मेशन, फिर आपसे क्वालिटी। सेवन नंबर कैसे बनता है? ये लाइन होती है इसमें जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ थ्री और सेवन में होती है। ये लाइन होती है डिवाइन गाइडेंस की, है ना, एंड फिर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट थिंकिंग है। सीधे साधे लोग होते हैं, स्ट्रेट थिंकिंग होती है, गाइडेड बाय द डिवाइन। ये भाग्य का नंबर है हमारी ग्रिड में, सेंट्रल नंबर है ना, बीच में आता है। सो गाइडेड बाय डिवाइन, इनको हम बोलते हैं बॉर्न लकी एंड स्ट्रेट पीपल। सात नंबर के जो लोग होते हैं ना, जब ये पैदा होते हैं तो हम बोलते हैं घर में बाप पैदा हुआ है। क्यों बोलते हैं? सात नंबर की प्रॉब्लम क्या है? इनको दुनिया में हर चीज का क्यों जानना है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, मतलब आप कुछ भी इनसे बोल दो, इनके पास काउंटर क्वेश्चन है। और एक बार सात को तो फिर भी आप झेल लोगे, अगर वो दो या तीन हो गए तो फिर भगवान ही बचा सकता है उनसे, है ना। सो वेरी इंक्विजिटिव। क्यों होते हैं इंक्विजिटिव? देखो, आपको स्टोरी में बताया था ना, इनके पास सिर्फ धड़ है। धड़ से क्या पता लग गया? फिजिकल पावर अच्छी है ना, और दिमाग नहीं है। अब दिमाग नहीं है का मतलब ये नहीं है ये पागल है या बुद्धू है। इनके पास कॉन्शियस माइंड नहीं है, इनका सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग होता है। और क्योंकि कॉन्शियस माइंड नहीं है तो इनको वो चीज पता करनी है जो आपके पास नहीं होती, वो चीज आपको चाहिए ना, तो इनको हर चीज का लॉजिक समझना है। सो इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है इनकी, क्योंकि सबकॉन्शियस बहुत अच्छा है इनका। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट, यस। और बताइए, चलिए अब याद करिए सेवन नंबर। स्पिरिचुअल होते हैं मैम, मेरे बेटे का ही है सेवन नंबर। स्पिरिचुअल होते हैं। अब देखो, स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? पूजा पाठ नहीं। हाँ, पूजा पाठ नहीं। दे विल एक्नॉलेज द सुप्रीम पावर एंड दिस नंबर। मैंने आपको बताया था हर नंबर की मोटिवेशन होती है ना, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं मोटिवेशन की। इस नंबर की मोटिवेशन है एनर्जी, वाइब्स। ये काम तब करेंगे जब इनको ठीक लगेगा कि भाई ये काम अच्छा है। आप इनको पैसे से मोटिवेट नहीं कर सकते, ये नंबर मटीरियलिस्टिक नहीं है। yes, materialistic. ठीक है, नॉट अ मटीरियलिस्टिक नंबर। इन्हें हर चीज अपने लिए ही नहीं चाहिए, ये सबके लिए भी कर सकते हैं, है ना। पांच नंबर है उसको अपने लिए चाहिए, छह नंबर है अपने लिए चाहिए, तीन नंबर को समाज के लिए चाहिए, है ना, एक नंबर को अपने लिए चाहिए, दो नंबर को अपने मोह के लिए चाहिए, रिश्तों के लिए चाहिए। इनको ये सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होते। और इनकी सबसे अच्छी बात होती है कि कंटेंट इन लाइफ होते हैं, बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाते, ग्राउंडेड होते हैं बहुत ही। हाँ, ग्राउंडेड होते हैं। आईटी का नंबर भी है ये। दे आर इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है आपसे बात नहीं करेंगे, करेंगे, आपके साथ घूमने भी चले जाएंगे, पार्टी में भी चले जाएंगे, पर इनको एक अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। yes, उसमें नहीं घुसने देंगे किसी को भी, है ना। मान लो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट रहने आया, तो ऐसा नहीं है कि उससे मिलेंगे नहीं या तुमसे गुस्सा हो जाएंगे क्यों आया, उसको वेलकम भी करेंगे। बट जहां तुमने कहा कि ये गेस्ट बेटा तेरे कमरे में रहेगा, वहां इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अपनी नंबर हाँ जी, आई एम नंबर सेवन। हाँ जी, वेरी गुड। नीड्स पर्सनल स्पेस। इस नंबर में हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स। भाग्य से पूरी हो जाती है इनकी इच्छाएं। वेरी लकी इन ट्रैवल। और बताओ, कौन कह रहा था आई एम नंबर सेवन, वो बताए अपनी क्वालिटीज। मैम, आपने जो इनक्यूजिटिव लिखा है ना, ये केतु का नंबर है, तो कंफ्यूजन्स बहुत रहती हैं, बस एक गाइडलाइन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। और पता नहीं क्यों कहते हैं कि इस नंबर वाले को गुस्सा आता है, उसे आता नहीं है, उसे कोई पोक करे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कोई पर्सनल स्पेस में घुसोगे तो आएगा, वैसे नहीं आता। ये काम कंटेंट एंड काम लोग होते हैं, ऐसा कुछ। मैम, माय सन इज, माय एल्डर सन इज सेवन, तो ही हम उसको सारे हमारे घर में पूरे दे, वी ऑल से कि घुनी है, बहुत ज्यादा घुनी है, मतलब अपनी बात बताता नहीं है, चुपचाप कुछ भी कर लेता है। So, introverts है ना, देखो खुल के बात नहीं करते, है ना, पर ऑफेंड नहीं करेंगे, तुम बात करोगे तो कर लेगा। हाँ हाँ, हाँ जी, यस। एंड
एम्बिशियस टू सम एक्सटेंट, दे लाइक वर्क फ्रॉम होम टाइप्स. हाँ मतलब देखो अब कमाना तो सबको पड़ेगा ना, ये थोड़ी है सात नंबर है तो घर आके कोई नहीं, नहीं सब कुछ नहीं है इनके लिए. पर इनके लिए इनको वो नहीं है जैसे वन नंबर को है यहाँ 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 तीन नंबर को है ऊपर ऊपर ऊपर, इनको ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है इतना काम है अपना काम चल रहा है बहुत. मैम मैंने जो पहले न्यूमरोलॉजी किया था ना उन्होंने पता है सेवन नंबर के लिए बहुत बोला कि जिसका सेवन नंबर आता है उसको ना लाइफ में से बिट्रेल्स मिलते हैं. मैं तो बहुत डिसहार्टन हो गई थी. वो आपने दूसरा वो पढ़ा होगा लो शो ग्रेड वगैरह. एक्चुअली क्या होता है ना देखो मेरे को सारे न्यूमरोलॉजी आती है सारे सिस्टम्स आते हैं, मैं पहले पढ़ाती भी थी पाइथागोरियन वगैरह, पर मुझे वैदिक से ज्यादा कोई एक्यूरेट नहीं मिली. अब जैसे आप पाइथागोरियन में देखोगे तीन और छह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डिजास्टर, कि इनकी मैरिड लाइफ तबाह हो जाएगी इनका जीवन तबाह हो जाएगा. मैं खुद तीन और छह हूँ, मेरी तो लाइफ बड़ी अच्छी है टचवुड, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है. तो वो जो आपको लगेगा कि फिट ही नहीं होता उसको आप मानोगे कैसे. इसलिए मुझे लगता है कि ये सिस्टम सबसे अच्छा है. हाँ सेवन में प्रॉब्लम आती है. कहाँ आती है? जहां ये डबल सेवन और ट्रिपल सेवन हुआ वहां फिर प्रॉब्लम कैसी आएगी. ये हर बात की ना बाल बात की वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, वो करेंगे. अब जब आप वो करोगे तो आपको रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी. तो सेवन नंबर वाले को प्रॉब्लम आएगी जब डबल सेवन ट्रिपल सेवन होगा, और स्पेशली प्रॉब्लम आएगी रिश्तों में क्योंकि वो क्यों 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 उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन किस चीज के लिए अच्छा हो जाएगा? अगर इनका प्रोफेशन है ऑडिट रिसर्च है ना, एस्ट्रोलॉजी डिटेक्टिव स्पाई ऐसे प्रोफेशन में चले जाओगे तो बड़ा अच्छा है. लॉयर, उसको भी तो बाल की खाली निकालनी है, ऐसे प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा. सो अगर कोई गलत क्वालिटी भी आ रही है ना तो उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं. इसलिए तो कहते हैं कि न्यूमेरोलॉजी इज अ ब्लेसिंग. व्हाई इट इज अ ब्लेसिंग? यू नो योर चाइल्ड इज अ ट्रिपल सेवन. अब उसको शुरू से ही ऐसी फील्ड में डालो जहां आपको पता है कि उसका ये जो उसकी वीकनेस है ये उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, है ना. इसलिए न्यूमेरोलॉजी इज अ ब्लेसिंग कि आप अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बना सकते हो. और बताएं, रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, बुक रीडिंग वगैरह. रीडिंग, हाँ इनकी रीडिंग राइटिंग, यस पोएट बहुत अच्छे होते हैं ये. ये बुक ड्राइंग भी अच्छी होती है. मैम ड्राइंग भी अच्छी होती है, यस. और ये बुक लिखते हैं ना तो बहुत मतलब इनकी बुक अक्लेम्ड हो जाती है क्योंकि बहुत अच्छी इमेजिनेशन से बुक लिखते हैं ये. इमोशंस एंड इमेजिनेशन. तो इस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. अभी अभी मुझे याद आई कि व्हाई न्यूमेरोलॉजी इज यूजफुल. एक बार ना एक लकड़हारा होता है तो वो राजा कहीं फंस जाता है तो वो राजा को बचा लेता है. तो राजा उससे बहुत खुश हो जाता है और उसको कहता है कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है, कुछ भी मांग लो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुमने मेरी जान बचाई. तो लकड़हारा कहता है कि भाई मैं तो ज्यादा मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो लकड़ी काट के अपना काम चलाता हूँ गुजारा करता हूँ. आप मुझे ना मेरे को रोज ढूंढना पड़ता है आज कौन सा पेड़ काटू तो मेरा पेट भरे, मतलब मैं कमा पाऊं. आप मुझे एक जंगल दे दो तो मैं वो काट काट के अपना जीवन चला लूंगा. तो वो राजा कहते हैं कि इतनी सी चीज मांगी इसने, कहते जाओ मैंने तुझे एक पूरा जंगल दिया और उस पूरे जंगल में ना लाल चंदन की लकड़ियां हैं. लाल चंदन अगर आपको पता ना हो बहुत महंगा बिकता है, ठीक है. वो बड़ा खुश हो जाता है, लकड़हारा चला जाता है. तो अब पूरा जंगल है उसके पास, काटता रहता है करता रहता है अपना, काटता रहता है करता रहता है. तो एक दिन राजा सोचता है, बहुत साल बीत जाते हैं, राजा सोचता है कि वो लकड़हारा अब तो बहुत रिच हो गया होगा, लाल चंदन का पूरा मैंने जंगल दिया था उसने बेच बेच के बहुत कमा लिया होगा, वो तो सेठ बन गया होगा, चलो मैं देख के आता हूँ. तो राजा आता है, वो राजा आता है तो देखता है कि वो ना लकड़हारा बैठ के रो रहा होता है बहुत. तो राजा कहता है भाई क्यों रो रहे हो? कहते हैं कि ना पूरा जंगल खत्म हो गया और ये दो लास्ट तीन चार पेड़ बचे हैं, अब ये भी मैं काट दूंगा, फिर मेरी वही प्रॉब्लम कि मेरे पास पेड़ नहीं है काटने के लिए. तो राजा कहता है मैंने तुम्हें पूरा जंगल दिया था लाल चंदन का, तुम्हें लकड़ियां काटने की अब जरूरत क्या है? तुम्हारे पास तो इतना पैसा होना चाहिए था. तो कहते हैं कि पैसा होना चाहिए था, मैंने तो पेड़ काटे, लकड़ी जलाई, कोयला बना, कोयला बेचा और उससे इतने ही पैसे मिलते थे कि मैंने अपना पेट भर लिया. तो राजा अपना सर पकड़ के बैठ जाता. तो राजा कहता है मैंने तुमको लाल चंदन के पेड़ दिए थे, तुमने उनको जला के कोयला बेचा. तुम वो लाल चंदन बेचते तो इससे करोड़ों गुना पैसे कमाते. कहने का मतलब क्या है? वही जो मैंने अभी आपको समझाया,
कि 777 को देख के आप ये भी रो सकते हो बैठ के कि हाय मेरी जीवन, हाय ये क्यों 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 क्यों, हाय मैं। लेकिन अगर आप उसको यूज करना जानते हो, आप जानते हो कि इस क्वालिटी को मैं सही जगह पे कहाँ लगा सकता हूँ, तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे भी जा सकते हो। सो नंबर्स तो हम सबको मिले हैं, जो मिले हैं हम कुछ कर नहीं सकते हो, मैं चेंज नहीं कर सकती। तुम बोलो मैम ऐसी रेमेडी बताओ कि ये ना ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब झूठ होते हैं। लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि तुम क्या करो उसमें कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। और इसीलिए ये जरूरी होता है स्पेशली बच्चों के लिए। अब देखो हम तो सब प्रोफेशंस में जा चुके हैं ना, अब हम तो चेंज करने से रहे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम इसको बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए न्यूमेरोलॉजी को हम ब्लेसिंग मानते हैं, राइट। चलो सेवन नंबर का और कोई कुछ बताना है तो बता दो, नहीं तो फिर हम चलें अपनी स्लाइड पे। नंबर सेवन, लॉर्ड कौन होता है जी इसका? केतु, केतु है ना, वरुण पहले कहते थे, अब कोई नहीं कहता, केतु। लकी डेट 7/16/25, लकी डेज संडे एंड मंडे। वरुण इज द गॉड ऑफ वाटर, दस पीपल विद रूट नंबर सेवन आर वेरी पीसफुल एंड कंटेंट। ये इनकी बहुत अच्छी बात होती है कि ये कंटेंट इन लाइफ होता है। आफ्टर सैटर्न दिस इज द प्लैनेट व्हिच इफेक्ट्स अर्थ ऑन अ वेरी हाई स्केल। Thus, the effect of this planet stays for a long period of time on a person. Moon is also a water-related sign. Hence, 2 and 7 are good friends. Dono ki dosti bahut achhi hai kyunki dono water signs hai. These people should start new work on 7/16/25. Day should be Sunday or Monday. Number 7, characteristics. They have an independent nature. इनको ना तो ज्यादा डिपेंड होना अच्छा लगता है, ना ज्यादा इंटरफेरेंस अच्छी लगती है। मतलब दायरे में रहो, तुम भी अपने दायरे में रहो, तुम्हारे दायरे में भी ये नहीं घुसेंगे, ना तुम इनके दायरे में घुसो। पर्सनालिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। देखो हम सब सोचते हैं कॉन्शियस माइंड से, है ना, हम सब कॉन्शियस माइंड से अपना दिमाग लगाते हैं, थिंकिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये सोचते हैं अपने सबकॉन्शियस। इस वजह से इनकी थिंकिंग, इनकी पर्सनालिटी काफी अलग होती है दूसरों से, और इसलिए लोग इनको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं बहुत बार जीवन में। दे कैन एक्सेल इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड, दे आर अनस्टेबल इन नेचर। अनस्टेबल इन नेचर का मतलब है अगर इनको कहीं की भी एनर्जी पसंद नहीं आई, या मान लो मन नहीं लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा, इनकी बड़ी खास लाइन होती है, तो ये वो काम को नहीं करते। यू कैन नॉट पुश देम। Can be a good poet or writer, have very good imagination power. If they write a book, they can reach great heights. They want to explore everything possible. If they become religious, they can go beyond the limits and become a yogi. देखो ये spiritual तो शुरू से ही होते हैं, लेकिन religious की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि अगर ये सुपरस्टिशन में आने लग गए, या अगर भगवान जी जैसे मानो जी अब मंत्र पूजा शुरू हो गई, आरतियां शुरू हो गई, फिर ये ना लिमिट से ज्यादा कर देंगे उसको। और सेवन नंबर की एक खास बात क्या होती है, इनकी रियल स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो लाइफ में जागती है कोई ना कोई धोखा खाके, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लूज करके, स्टेटस हो, कोई बहुत खास रिश्ता हो, कोई बहुत खास अपना बंदा हो, फ्रेंडशिप हो, पैसा, जॉब, कुछ ना कुछ मेजर इनकी लाइफ में लॉस होएगा, तो ये फिर पूरी तरीके से भगवान की तरफ जाते हैं। दे आर नॉट सो मटीरियलिस्टिक, दे वुड यूज देयर फाइनेंसेस फॉर सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा, बांट लेंगे सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। वुमन विद रूट नंबर सेवन आर वेरी टेंस्ड अबाउट देयर फ्यूचर, बट दे गेट मैरिड इन टू अ फैमिली वेयर दे गेट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सात नंबर है, मैंने बोला रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स है, तो आपकी जो चाह है ना वो अंतपंत पूरी हो जाएगी, वो भाग्य का साथ है आपको, राइट। मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, कैन अट्रैक्ट अदर पीपल इजिली, मेक गुड बिजनेसमैन। प्रिकॉशंस क्या है, शुड नॉट बी टू इमोशनल, शुड थिंक अबाउट देयर ओन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने कहा ना मटीरियलिस्टिक नंबर नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है सब कुछ लुटा दोगे, अपने बारे में भी सोचो। शुड गेट स्टेबिलिटी इन देयर थॉट्स, शुड डू फिजिकल वर्क। You cannot be dependent on others for progress. और इस नंबर को देखा गया है कि ये प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सक्सेसफुल होता है rather than government. Men should not underestimate their wives and bully them with their intelligence. Should not be too friendly with other women. Avoid smoking and alcohol. Meditate
टू नंबर और सेवन नंबर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है मेडिटेशन, क्योंकि उससे इनकी अंदर की क्वालिटी बाहर आती है। सात नंबर इंट्रोस्पेक्शन का भी होता है, उसका सर तो होता नहीं तो वो इधर वाले दिमाग से तो सोचता नहीं है, वो मन से सोचता है, अपने अंदर झांकता है, तो इंट्रोस्पेक्शन का भी नंबर है। शुड बी केयरफुल अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। लकी कलर्स व्हाइट, लाइट ग्रीन एंड शेडेड क्लोथ्स। जेमस्टोन कैट्स आई, कैट्स आई होता है लहसुनिया, हिंदी में बोलते हैं लहसुनिया। दीज पीपल शुड वर्शिप लॉर्ड नरसिंह, नरसिंह भगवान होते हैं, आधे नर आधे सिंह, मंदिरों में मिलते हैं ज्यादातर, घर में लोग नहीं इनको स्थापित करते। जस्ट वन सेकेंड, राइट। लहसु नरसिंह भगवान की पूजा होती है एंड मंत्र इज ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। द मंथ्स जनवरी एंड फरवरी आर नॉट फेवरेबल फॉर देम, दे शुड अवॉइड टेकिंग डिसीजंस इन दीज टू मंथ्स। अभी देखो सेवन नंबर को ना लोग ये भी बोल देते हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी में अगर पढ़ते हो या इंटरेस्ट रखते हो, कि केतु मोक्ष का नंबर है ना, तो बोल देते कि भाई इन लोगों को ना मटीरियलिस्टिक सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में, ऐसा नहीं होता। डेस्टिनी सेवन वाले जो होते हैं ना, उन्हें सब कुछ मिलता है लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें। शाहरुख खान डेस्टिनी सेवन है, कपिल शर्मा डेस्टिनी सेवन है, इनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये सब कुछ भोग के उससे डिटैच होते हैं, तब मोक्ष मिलता है। मोक्ष उस इंसान को मिलता है जिसने सब कुछ देखा हो और देख के छोड़ा हो। जिसने देखा ही नहीं ना, उसको हमेशा लालसा होगी अंदर देखने की, है ना। जिसकी शादी नहीं हुई उसे हमेशा होगा शादी के बाद पता नहीं कैसे होता है ना, उसकी लालसा होगी उसको शादीशुदा जीवन जीने की। जिसका बच्चा नहीं है उसको बच्चे की लालसा होगी, जिसने पैसा नहीं देखा उसे पैसे की लालसा होगी, है ना, जिसने सक्सेस नहीं देखी उसे सक्सेस की लालसा होगी। सो सेवन नंबर मोक्ष तो देता है, लेकिन तब देता है, सारी आपको सक्सेस देगा उसके बाद देगा, जब आप डिटैच हो जाओगे देख के, राइट। सो ऐसा नहीं होता कि सेवन नंबर में मटीरियलिस्टिक सक्सेस नहीं मिलती, बहुत मिलती है। मैम आई हैव अ डेस्टिनी सेवन एंड यू हैव मेड माय डे। मतलब कल तक तो मुझे लगता था सेवन नंबर होना बहुत गलत होता है, जो मैंने फेलोशिप ग्रुप में पढ़ा था, बट यू हैव मेड माय डे मैम। सेवन नंबर आप देखो ना, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिए, कपिल शर्मा फेलियर है क्या, शाहरुख खान फेलियर है क्या, काफी स्ट्रगल की बात चीज आई है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल की है। ये बात सच है, स्ट्रगल रहेगी, वो भी अभी आप ग्रिड एनालिसिस करोगे ना, आपको वो भी पता लग जाएगा कि स्ट्रगल आई कहां से है। डेस्टिनी सेवन से नहीं आती स्ट्रगल, स्ट्रगल कहां से आई है वो भी पता लग जाएगा ना। पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि सेवन नंबर को सक्सेस नहीं मिलती, बहुत सक्सेस मिलती है, राइट। फेवरेबल प्रोफेशन ड्राइंग, फार्मासिस्ट, डिटेक्टिव्स, पॉलिटिक्स सपोर्टेड बाय नंबर वन। पॉलिटिक्स जहां भी हम बोल देंगे ना, जैसे फोर में भी हमने बोला था, तो वन जरूर चाहिए। बॉलीवुड, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजियस प्रोफेशंस, एडिटिंग, है ना, और इसमें स्पाई, जो आजकल के फील्ड्स हैं आपको पता है, जहां पे भी रिसर्च की जरूरत है ना वहां सेवन नंबर चलेगा, आईटी में भी चलेगा। और एक चीज है, डेस्टिनी नंबर सेवन वाले जो है, ये देखा गया है कि अपने नेटिव लैंड से जहां पैदा होते हैं उससे दूर सेटल होते हैं, तो सक्सेसफुल भी बहुत होते हैं वहां पे, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट्स और क्वेश्चन यू वांट टू आस्क इन नंबर सेवन? नाउ कम्स द मोस्ट ड्रेडेड नंबर, नंबर एट। सबसे ज्यादा डरते हैं लोग इस नंबर से, है ना। पहले फॉर्मेशन देखते हैं कैसे बनता है, ये दो जीरो से बनता है। जीरो का मतलब क्या होता है, जी दो थ्री अगर आपने ऐड कर दिया तो हाँ ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। सो दो जीरो से अगर हम लेते हैं, इसका जीरो का मतलब होता है इनफाइनाइट पोटेंशियल। इन लोगों में इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, और थ्री से भी लोगे तो इनफाइनाइट नॉलेज होती है। ये वो लोग होते हैं जो रंक से राजा बनते हैं, है ना। मोदी जी हैं, वो भी नंबर आठ है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नंबर है स्ट्रगल, डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स, इसका भी नंबर है ये।
आपको सक्सेस देगा, बहुत सक्सेस, ऐसी सक्सेस देता है कि लोग देखते हैं, है ना। अब मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं तो दुनिया देख रही है, नॉर्मल इंसान को उसके रिश्तेदारी देखेगी, है ना, उसके घर वाले देखेंगे, हर कोई तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी सक्सेस देता है कि लोग कहते हैं कि यार कहां से शुरू किया था, देखो कहां पहुंच गया, है ना। सो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट नॉलेज है, हाँ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक बारी में कोई चीज नहीं हो सकती इनकी, डिलेज का नंबर है ये, डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर है, ठीक है। अब आप बताइए, नहीं ये लोग धुन के पक्के होते हैं, धुनी होते हैं, हाँ दे आर वर्कहोलिक्स, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 3, 6, 9 है, 5 है, दे आर स्मार्ट वर्कर्स, है ना, वो काम करने का रास्ता निकालेंगे, यार जल्दी कैसे होएगा, इनको मतलब नहीं है जल्दी वल्दी, इनको काम कर, जो काम हाथ में ले लिया उसको कभी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए, और इनको हर वक्त काम करना है, इनको अगर आपने खाली बिठा दिया तो ये डिप्रेशन में जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन का नंबर भी है, फिर ये अपने अंदर घुसने लग जाते हैं, अपने अंदर घुसने लग जाते हैं तो फिर सारी कमियां ढूंढते हैं अपनी, है ना, सेडिस्ट होते हैं ये लोग। सो वर्कहोलिक, अगर इनको काम दिए रखोगे दे विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क, और काम कर करके ही इनको सक्सेस मिलती है। मैम रिलीजियस दे आर जनरली नॉट रिलीजियस, बट इफ दे बिकम रिलीजियस फिर सारे वो होंगे, आरतियां भी गाएंगे ना, तो फिर सारे भगवान जी की आरतियां गाएंगे, है ना, घंटी भी बज रही है तो भाई एक घंटा हो गया, घंटी ही बजे जा रही है। सो जनरली नहीं होते ऐसे, बट अगर होंगे तो फिर हद से ज्यादा, ठीक है। यस, परफेक्शनिस्ट होते हैं, काम को करने का पहले पूरी उसकी रिसर्च करेंगे, सारा डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर काम करेंगे, और धीरे 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 परफेक्ट काम करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, टाइम ही निकल जाता है उसका, जब तक फिर तुम कहोगे ना भाई रहने दे, टाइम खत्म हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो काम पूरा ही करेगा अपना। डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव समथिंग टाइप, सोच समझ के बात रखना, ये नहीं होंगे डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं अगर आपकी ग्रिड में 8 के साथ 5 आ जाए, है ना, ब्लंट होते हैं, अकेले नहीं होते, ब्लंट ब्लंट होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, मतलब गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई सैटर्न क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दें पहले, सैटर्न क्या है, जज है, शनि कौन है, जज है, तो जस्टिस, अन्याय ना तो कर सकते हैं ना सह सकते हैं, सहेंगे नहीं, अगर तुमने इनके साथ अन्याय किया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, फिर पूरी हद तक जाएंगे तुम्हारा नुकसान करने के लिए, अगर आपने इनके साथ अन्याय किया ना सहेंगे ना करेंगे, जस्टिस लविंग पीपल है। यस, ये भी एक मटीरियलिस्टिक नंबर है, इनको मटीरियलिज्म चाहिए होता है, ये काम करते हैं उसके लिए, इनको पैसा, मटीरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए, इनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, इनके काम में दखल करोगे तो कह सकते हो, वरना ऐसा तो कुछ नहीं कहते, सॉलिट्यूड में जीते हैं ये, मतलब इनके दिल में खालीपन होता है, चाहे खूब फ्रेंड्स होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, पर इनको अंदर से लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता, सो दिल में एक खालीपन होता है, और राज बहुत होते हैं, ये अपना दिल नहीं खोलते किसी से भी, 8 नंबर में कहते हैं बहुत सारे राज होते हैं जो इनके साथ ही जाते हैं, ये किसी को नहीं बताते, सीक्रेटिव मींस, हाँ सीक्रेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर 8 नंबर किसी भी एडिक्शन में पड़ जाए तो इनको वो एडिक्शन बहुत नुकसान करती है। देखो 3 लोग 3 दोस्त हैं, है ना, तीनों स्मोकिंग करते हैं, तीनों में से एक को कैंसर होता है, 2 को नहीं होता, है ना, कई बार होता है ना कैंसर हो गया किसी को, हम कहते हैं यार वो तो इतनी पीता भी नहीं था, उसके साथ वाला इतनी पीता, उसको तो नहीं हुआ कैंसर, इनको होगा अगर ये एडिक्शन में गए तो, मतलब इनको एडिक्शन नुकसान पहुंचाएगी, एडिक्शन किसी चीज की भी हो जाए, मींस स्ट्रेस की हो जाए, चाहे किसी भी, देखो ये ना न्याय का नंबर है, सैटर्न इज अ जज, न्याय का नाम, तुम कोई भी गलत काम करो लाइफ में, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तुम एडिक्शन में चले जाओ, तुम करप्शन कर लो, चीटिंग कर लो, तो तुम्हें उसका पॉजिटिव फल नहीं मिल सकता, क्योंकि खुद न्याय का नंबर हो तुम। सो तुम्हारे लिए सक्सेस का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क,
स्ट्रगल, सच्चाई, सही काम तुम्हें करोगे तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुमने जहां शॉर्टकट मारा वहां तुम नीचे गिरोगे. एंड दिस इज अ नंबर ऑफ एक्सट्रीमिटीज. एक्सट्रीमिटीज का मतलब है या तो बिल्कुल ऊपर होंगे ये लोग, या ऐसे होंगे कि बिल्कुल नलायक, कुछ करते ही नहीं होंगे, फेलियर्स होंगे, बैड फेलियर्स. वो आपको आगे ग्रिड एनालिसिस में पता लग जाएगा कौन लायक होगा कौन नलायक होगा. बाइपोलर भी होते हैं. बाइपोलर का क्या मतलब है? कभी तो इतनी एनर्जी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे, और कभी क्या है यार लाइफ बकवास ही है, कुछ भी कर लो, कुछ होता जाता तो है. तो मूड स्विंग्स होते हैं, बाइपोलर होते हैं. और सोचिए आपको कुछ याद आता है तो. जिद्दी होते हैं मैम. क्या होते हैं? हाँ बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं, यस, स्टबर्न होते हैं, स्टबर्न. इनमें ईगो भी होती है एक्चुअली, पर ये ना ईगो दिखाते नहीं है अपने. जैसे वन नंबर है ना वो सामने से ईगो दिखाएगा, तीन नंबर है वो ज्ञान की ईगो दिखाएगा. इनकी इनमें ईगो होती है पर ये उसको जाहिर नहीं करते. ईगो स्पॉन्सर होगा ना ऑफिस में, वो जो आता है ना, हम लोग सब एक लैंडमार्क करके सो रहे हैं ना. Yes. Yes. Anything else you want to comment? I think that's it. Is there anything else left? Chalo, haan, fir slide mein se padh lete hain. Root number 8, Lord is Saturn. Lucky dates are 8, 17, 26. Lucky days are Saturday. Saturn has its effect from 2.5 years till 30. मतलब इफेक्ट तो सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्ट 30 तक होता है. इसीलिए जो लोग 8 नंबर के होते हैं ना उनको कहा जाता है कि शादी 30 के बाद करना. ठीक है. Saturn is a unique planet. Some astrologers think it to be an unlucky planet. Person affected by Saturn has to struggle a lot in life. His life is full of turmoil, ups and downs. As Saturn is very different from other planets, a person affected by it is also very different and does not like to socialize. Abhi kya hota hai? Socialize aisa nahi hai ki ghumenge nahi, firenge nahi, ya jayenge nahi party mein, chale jayenge. But dil mein jo inka khalipan hai na, wo hamesha rahega. People with root number 8 are very helpful in friendship. Aapne raat ke 2 baje bhi phone kiya na ki yaar mere ko dikkat hai, aaja. Ye puchhenge nahi kyun aana hai, kahan, kyun, kya ho gaya, urgent hai kya, nahi, seedha aa jayenge. But if they are betrayed, agar tumne inke sath anyay kiya, they will be your worst enemies and will try to harm you as much as possible. These people should start the work on dates 8, 17, 26 and day should be Saturday. Characteristics: people fail to understand this root number and hence these people are often misunderstood, which leads them to loneliness. Dekho, ek to na ye show off mein believe nahi karte. ये पैसे को फालतू में नहीं उड़ाएंगे, नंबर 1 की तरह, 5 की तरह, 6 की तरह. इस वजह इसलिए ना लोग इनको कंजूस भी समझ लेते हैं और इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. राइट. दे हैव एक्सट्रीम नेचर, दे कैन नॉट बी न्यूट्रल ऑन एनीथिंग. और इनका नेचर कैसे होता है, मान लो इनमें ना एम्पैथी बहुत होती है. एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि ये किसी के आंसू नहीं देख सकते. 100 रुपए दिए इन्होंने, नौकर को बोला कि भाई जाओ वो ले आओ दूध ब्रेड ले आओ. वो ले आया, 2 रुपए बचे, नौकर ने वापस नहीं किए. तो पूछ लेंगे, मैं 2 रुपए बचे दे, है ना, वही नौकर रो दे मेरी घर में आज ये नहीं आज वो नहीं, उसको 1000 रुपए भी दे देंगे. तो पता नहीं लगता इनका नेचर, भाई ये करेंगे क्या, आंसू नहीं देख सकते ये किसी का भी. लेकिन हिसाब किताब के पक्के होते हैं. ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए तुम्हारे आंसू देख के दे रहे हैं तो हर बार तुम इनके पैसे रख लोगे तो कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं. My mother-in-law is number 8. Jo jo characteristics, whatever you are telling me, we're discussing, sab kuch hai, sab kuch hi. My mother-in-law is also number 8. They are generally not religious. If they go beyond the limits and become superstitious. She is. है ना, फिर क्या करते हैं? अब जैसे वैसे मानेंगे नहीं, मानेंगे तो फिर हर मंदिर में
सर झुकते रहेंगे ऐसे, जितने मंदिर आएंगे रास्ते में सब में सर झुकेंगे, और जो कुछ बताएगा रिलीजियसली वो भी फॉलो कर देंगे। अरे वो बताया उस फोन में ये बता रहे उसके से रख के ऐसा होएगा वैसा होएगा वो करेंगे। हाँ, हाँ, सारे करते हैं फिर, मतलब सब कुछ ही मान लेंगे फिर। इफ दे अंडरटेक समथिंग दे डू नॉट लीव द टास्क अनकम्प्लीटेड इवन इफ दे हैव टू सफर लॉस फॉर द सेम। अपने जेब से पैसे लगा लेंगे बट काम जरूर पूरा होना चाहिए। They do not bother about anyone's opposition. तुम कुछ कहते रहो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। They do not publicize their work, but gets appreciation when it is done. Either these people are too successful or bad failures. या तो बहुत successful हों, बीच में नहीं रहते, या तो बिल्कुल successful या बिल्कुल failure. Because of Saturn's effect, life will be full of problems and shocks. But they have the patience to undergo everything and become normal after some time. तुम्हें लगेगा कि हाय भगवान ये इंसान तो बर्बाद हो गया, अब तो ये कभी जीवन में उभर ही नहीं पाएगा, वो थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाएगा। सिंसियर मेच्योर होते हैं ये लोग। सैटर्न ना बचपन से भी मेच्योर होता है। सैटर्न वाले जो बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा नटखट भी नहीं होते, सिंसियर होते हैं। बाय नेचर दे डू नॉट लाइक टू डू जॉब्स, बट मैंने आपको बताया ना या तो बहुत सक्सेसफुल या फेलियर। तो जो सक्सेसफुल है वो तो अपने बिजनेस कर लेंगे, जॉब्स में भी टॉप पोजीशन में होंगे, लेकिन जो फेलियर हैं वो बेचारे क्या करेंगे, उनको तो करने पड़ेंगे जॉब छोटे मोटे। सो बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स माइट हैव टू वर्क ऑन अ स्मॉल पोस्ट। दे कैन डू एनीथिंग टू अर्न मनी बट दे नेवर मिस यूज मनी। दिस नंबर इज बिलीव टू बी अनलकी फॉर सम बट turns out to be extremely lucky, and for some it turns out to be extremely lucky and takes them to great heights. They are too busy in work to entertain them. Inke paas apne entertainment ke liye kuch nahi hota, kaam 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 aur sirf kaam kaam kaam, koi na koi kaam ye khud dhoond lete hain. Inke liye sabse badi problem ye hai, they are always worried about their future. Agar abhi sab kuch sahi chal raha hai na, koi tension nahi hai, तो इनको इस बात की टेंशन हो जाएगी कि कोई टेंशन नहीं है, पर इनको टेंशन चाहिए। सो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ लाएंगे जिससे टेंशन हो जाए। दिस पीपल ऑफन हैव सर्टन बैड हैबिट्स विच दे फेल टू क्विट टाइम एंड अगेन एंड इट हार्म्स देम इमेंसली। दे आर वेरी सेंसिबल फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। प्रिकॉशंस, डू नॉट बी स्टबर्न, listen to others' advice also. Do not give too much importance to money. Don't indulge in bad means. मैंने आपको बताया जहां आप bad means में गए वहां आपकी बर्बादी शुरू है। Do not hide anything from your wife. इनको ये समझाना चाहिए कि आपके जीवन में जो खालीपन है ना वो आप दूर कर सकते हो। आप अपनी वाइफ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, शेयर करना शुरू करो, तो आपको पता लगेगा कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है कि आपको ना समझ पाए। ठीक है, बिवेयर ऑफ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी होती है इनको, डेंटल इश्यूज भी होते हैं इनको, और मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, भूलने लग जाते हैं बुढ़ापे में चीजें। डू नॉट बी वरीड अबाउट फ्यूचर ऑलवेज, डू योर वर्क एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, दे मे बिकम बॉल्ड एट एन अर्ली एज, ये लड़कों के लिए है, लड़कियां नहीं होती गंजी, है ना। बिवेयर ऑफ इन्फेक्शंस रिलेटेड टू ब्लड एंड यूरिन, eat green vegetables and fruits, do not go for extramarital affairs. कोई भी गलत काम मत करो, हम तो सीधे से ये बोलेंगे, ठीक है। Do not take important decisions in your unfavorable period. You will benefit from travel. Do your work yourself. Do not leave it to others. इनको satisfaction होती भी नहीं है, दूसरे अगर काम करेंगे ना तो ये उसको recheck करेंगे पूरा। इनको दूसरों के काम में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो इससे अच्छा खुद ही कर लो उसको। बी हैप्पी इन लाइफ, शेयर एवरीथिंग विद योर वाइफ। बीइंग फ्रेंड्स विद योर वाइफ कैन हेल्प यू ओवरकम द सॉलिट्यूड इन योर लाइफ। इन द ओल्ड एज दे मे सफर फ्रॉम आर्थराइटिस एंड मेमोरी इश्यूज ऑल्सो, सो टेक इनफ विटामिंस एंड कैल्शियम। लकी जेमस्टोन, नीलम, मोती, ब्लैक डायमंड, ब्लैक मोती, नॉर्मल मोती नहीं, ब्लैक मोती, ब्लैक डायमंड, नीलम। और नीलम काफी महंगा आता है, तो सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप नीली भी ले सकते हो।
कभी भी जब आप किसी भी मेन स्टोन का सब्स्टिट्यूट पहनेंगे ना, तो उसको थोड़ा हैवी पहनना पड़ेगा. जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई डिवाइडेड बाय 10 है योर वेट डिवाइडेड बाय 10, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूट पहन रहे हो तो उसको थोड़ा फिर हैवी लेना पड़ेगा. जैसे नीलम पहनोगे 7 रत्ती चल जाएगा, नीली पहन रहे हो तो 10-11 रत्ती लो फिर, ठीक है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है. राइट. मंत्रा क्या इनको करना क्या चाहिए? दीज पीपल शुड वर्शिप लॉर्ड शनि, शुड इनचैंट शनि मंत्रा एटलीस्ट 108 टाइम्स डेली, शुड फास्ट ऑन सैटरडे एंड डोनेट ऑयल. मंत्र इज ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः. सैटर्न इज अ वेरी लकी डे, लकी इयर्स आर 8, 17, 26, 35, 44. प्रोफेशंस इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स में बहुत 8 वाले होते हैं. कोल रिलेटेड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जुडिशरी, जज, लॉयर, कोई भी जुडिशरी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टरशिप, आयरन रिलेटेड वर्क, गवर्नमेंट जॉब्स इन जेल, बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस, ठीक है, ये सारे काम करेंगे तो इनको अच्छा रहता है. राइट. अभी सोच लो कुछ 8 नंबर के बताते हैं आप. You have to analyze their life and see what dates their major events take place. तो जब कोई 8 वाला आपके पास आया, आपको थोड़ा सा analysis करना पड़ेगा. आपको उसको पूछना पड़ेगा कि भाई आप अपने सारे important events बताइए. जैसे आपकी शादी, बच्चा कब हुआ, आपने काम कब शुरू किया, नौकरी कर रहे हो तो join कब करी है ना, घर का number, phone का number, car का number, सारी important उसके जो dates हैं, numbers हैं, वो ले लीजिए. अब अगर उनमें से ज्यादातर 4 हैं तो यू आर मूविंग एज पर योर डेस्टिनी. 8 आपके लिए न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप फॉलो कर सकते हो 8 की साइकिल, ठीक है. इफ मोस्ट ऑफ योर इवेंट्स हैपन ऑन 8th, देन योर कमिंग लाइफ इज वेरी लकी एंड हैप्पी. ये वो लोग हैं जिनके लिए 8 पॉजिटिव है. 2 क्राइटेरिया होते हैं चेक करने के, एक ये है, एक ग्रिड में आएगा, ठीक है. सो योर कमिंग लाइफ इज वेरी पॉजिटिव एंड लकी. बट इफ योर इवेंट्स आर बोथ मिक्स, वो कहता है भाई कुछ 4 को होते हैं, कुछ 8 को होते हैं, मेरे तो मिक्स है, then it is negative for you because your time, coming time is very bad, which means that you will fail in whatever you do. So 8 is not positive for you. फिर हम क्या उसको बोलेंगे, आपको ना 8 की lucky numbers follow करने हैं, ना lucky dates, ना lucky colors, nothing. फिर हम उसको कोई ना कोई number देंगे follow करने के लिए, 1, 3, 5, 6 on the basis of analysis of his grid. जो नंबर इनमें से उसके लिए पॉजिटिव है, उस नंबर की चीजें उसको दे देंगे. क्लियर, समझ आई बात? मैम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, आप प्लीज फिर से समझाएंगे? बिल्कुल समझा देंगे. मान लीजिए आपके पास कोई भी 8 नंबर का व्यक्ति आता है कंसल्टेशन के लिए, है ना. अब आपको उसको कंसल्टेशन देनी है, मतलब उसको बताना है कि भाई तुम्हारे लिए लकी क्या क्या चीजें हैं, तुम क्या क्या करो, है ना, कौन सा स्टोन पहनो, लकी डेज क्या है, लकी डेट्स क्या है, लकी कलर्स क्या है, बताना पड़ेगा. तो 8 नंबर को हम सीधा नहीं बताते कि भाई हाँ 8 नंबर सबके लिए नहीं है 8 नंबर पॉजिटिव. कुछ लोगों के लिए 8 नंबर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 8 नंबर होना नेगेटिव है, ठीक है. क्योंकि हमने आपको बताया कि 8 नंबर में या तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे या बिल्कुल फेलियर होगे. So, अगर वैसा केस है फेलियर वाला, तो हम उसको बचाना चाहेंगे ना. हम तो ये चाहेंगे कि हम उसको ऐसी चीजें दें कि कुछ तो बेटरमेंट होए उसका. इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं कि जब 8 वाला मेरे पास आया तो मैं उसको बोलूंगी आप अपने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताइए मुझे, आपकी शादी कब हुई, बच्चे कौन सी डेट को हुए, आपकी दुकान का नंबर क्या है, मकान का नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, फोन का नंबर क्या है. फिर मैं उन सबको कैलकुलेट कर लूंगी कि ये सब कौन से नंबर पे है, ठीक है. फिर उसको एनालाइज करूंगी. अगर ज्यादातर नंबर आपके 4 हैं, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हैपन ऑन द 4th, देन यू आर मूविंग एज पर योर डेस्टिनी. आपकी डेस्टिनी जैसे आपको ले जाना चाहती थी, आप वैसे चल रहे हो, कोई बात नहीं, न्यूट्रल है आपके लिए नंबर, है ना. इफ मोस्ट ऑफ योर इवेंट्स हैपन ऑन द 8th, देन योर कमिंग लाइफ इज वेरी लकी. ये वो लोग हैं जिनके लिए 8 पॉजिटिव है. और अगर दोनों मिक्स है तो भाई 8 आपके लिए नेगेटिव है, फिर आप 8 की साइकिल को छोड़ दीजिए, 8 का कुछ भी फॉलो मत करिए. ठीक
क्लियर। अब इसको एक बार खुद पढ़ो और देखो। तो मैम ये एप्लीकेबल हो, जी क्या कह रहे थे मैम? ये सिर्फ 8 नंबर पे एप्लीकेबल है या ये इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द नंबर्स? चेक इफ यू आर अ बेसिक और डेस्टिनी 8 देन इट इज एप्लीकेबल। ओके क्या एक बार देख लो जो आपने लिखा है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक नंबर और करा दूं।